राजेश भट्ट की फैक्ट्री में ईंट बनाने के सांचे तैयार किए जाते हैं। 7 साल की मेहनत के बाद अब धंधा जम गया है, लेकिन जिंदगी हमेशा से ही ऐसी खुशनुमा नहीं थी। अपने घर में राजेश हमें बताते हैं कि कैसे 2001 के भूकंप में उन्होंने सब कुछ खो दिया और उनकी पत्नी घर के मलबे में दबकर मारी गईं। ये अर्थक्वेक के बाद 2 साल तो वैसे ही कोई चांस ही नहीं था और 2 साल तक तो वैसे ही हम सदमे ही में थे और 2 साल के बाद अगेन हमारा जो बिजनेस, हमारा हाउस होल्ड हाउस, पुराना बिजनेस का प्लेस, सभी हमारा क्रश हो गया था। वो 2 साल के बाद आई थिंक 2004 से हम ऐसा लगा कि नहीं, अभी एट एनी वे हमको आगे बढ़ना ही है। 2001 में आए भूकंप ने इस इलाके में खूब तबाही मचाई थी और इसमें 20,000 लोगों की जान गई थी। भूकंप के केंद्र में रहा भुज शहर सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। भुज में बहुत कम इमारतें इन झटकों के बाद खड़ी रह पाई थी। ये भुज का पुनर्जन्म है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सहायता से ही नहीं बल्कि सरकारी मदद और व्यवसायियों के निवेश ने भी इसमें सहयोग दिया है। लेकिन जानकार कहते हैं कि शहर को फिर से खड़ा करने में स्थानीय लोगों से अधिक कीमती योगदान कोई नहीं कर सकता। चाहे वो भुज हो या नेपाल, जो लोग पुनर्निर्माण के लिए आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर विशेषज्ञ तो हैं, लेकिन वे बाहरी हैं। वे लोग यहाँ की परंपरा और जीवन शैली के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये बातें केवल स्थानीय लोग ही जान सकते हैं और वही लोग प्लानर्स को मूल्यवान आंकड़े दे सकते हैं। गुजरात के इस कच्छ इलाके की अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा अधिक फल फूल रही है। भूकंप के बाद सरकार ने यहाँ टैक्स फ्री जोन बनाया, जिसकी वजह से स्टील, सीमेंट और ट्रक बनाने वाली बड़ी कंपनियां यहाँ आ पहुंची। एग्जेम्पशन हॉलिडे यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसकी वजह से इमीडिएटली कुछ महीनों के अंदर ही देश की 150 से ज़्यादा कंपनियां, इंडस्ट्रीज यहाँ पे आने को तैयार हो गई और उस वक्त हमारा ये अनुमान है कि 8 से 9 US बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया। कुछ घाव भरने बाकी हैं, लेकिन ये मिसाल है कि कैसे किसी जगह एक भारी आपदा के बाद आर्थिक खुशहाली लौट सकती है। प्रतीक्षा घिल्डियाल, BBC भुज।